मालखा में हो रहे नगर पालिका चुनाव में दिग्गजों की इज्जत भी दांव पर है। भाजपा के उम्मीदवार अशोक कुछल को जिताने की जिम्मेदारी जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव जैन को दी गई है, वहीं जेजेपी के सीनियर नेता देवेंद्र कात्यान जेजेपी समर्थक उम्मीदवार अशोक गुप्ता को चेयरमैन बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। सुबह 6 बजे कादयान अपनी टीम को लेकर मालखा पहुंच जाते हैं। डोर टू डोर वोट मांगने के बाद दोपहर को वर्करों के साथ मीटिंग कर अगले दिन का प्लान बनाते हैं। शाम होते ही फिर से लोगों से मिलना अशोक गुप्ता को, लोग क्यों वोट करें, ये सारी बातें वोटरों के दिमाग में बैठाने की बात कर रात को फिर से डोर टू डोर वोट गुप्ता के पक्ष में डालने की अपील करते हैं। देखिए, हमारा जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं श्री अशोक गुप्ता जी, उनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर जो है इस तरीके के बयानबाजी लोग कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए बेनिफिट है, अशोक गुप्ता जी के लिए, ताकि लोग समझते हैं कि कौन किस पार्टी का और किस तरीके से लोगों की डराने की बात करता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में भी, वैसे भी हम भी सरकार में हिस्सेदार हैं, और किसी भी व्यापारी को हम तंग होने नहीं देंगे, और सरकार में अगर हमारा चेयरमैन बनता है तो पूरे संभालखा के नगर पालिका के तहत जिस जिस वार्ड में जो जो कार्य हैं, चाहे पीने के पानी के लिए हम आरओ के साथ जो है वाटर कूलर लगाने का काम करेंगे, अच्छी सड़कें बनाने का काम करेंगे, स्ट्रीट लाइट बनवाने का काम करेंगे, शहर की जो सबसे बड़ी समस्या जो है व्यापारी जो डरा हुआ है, जो इस तरीके के लोग बयान देते हैं कि भाई सरकार डराएगी, सरकार नहीं लोग भी डरा रहे हैं, हम उनके लिए सिक्योरिटी कैमरा लगाने की बात करेंगे, रेहड़ी वाले जो साथी हैं सब्जी मंडी के जो परेशान हैं उनके लिए जगह बनवाने का काम करेंगे, उनको एक जगह देने का काम करेंगे, और पुल के नीचे जो शौचालय नहीं है वो शौचालय बनवाने के काम करेंगे। बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे चेयरमैन अशोक गुप्ता जी जो हैं कराने का काम करेंगे। देर रात पानीपत घर वापसी कर फिर से सुबह उसी रूटीन और जोश के साथ आगे की रणनीति में जुट जाते हैं। अगर अशोक गुप्ता चुनाव जीत जाते हैं तो जाहिर तौर पर देवेंद्र कात्यान का कद पार्टी में और भी बड़ा हो जाएगा। जनसभा के दौरान कादयान लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर उनका उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है तो हल्के में वो कैसे विकास कार्य करवाएंगे। अशोक गुप्ता जी जो हैं बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, और इनको आप जो है वोट दें, क्योंकि जो काम करने की क्षमता, जो एक बेदाग छवि के नेता अशोक गुप्ता जी हैं हमारे, और मैं चाहूँगा कि जनता जो है इनको अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि इससे पहले अशोक कुछल के ऊपर कुर्सी बचाने के लिए पैसे बांटने के आरोप के साथ साथ महिला के साथ मिलकर पीड़ित पक्ष से 20 लाख रुपए ऐंठने के आरोप भी लगे हैं, और कुछल को 15 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया गया था। कई महीने तक जेल की हवा खाने के बाद कुछल जेल से बाहर आए, और यही बातें स्मालखा में आमजन के मुंह पर है, और जाहिर सी बात है कि जेजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि गुप्ता के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है। वहीं आप पार्टी ने भरत सिंह छोकर को टिकट दी है, वो पहले विधायक रह चुके हैं और ईमानदारी के दम पर चेयरमैन का चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। वहीं इनेलो से गोल्डी खट्टर, आजाद उम्मीदवार संजीव बेनीवाल, कोमल देवी भी मैदान में हैं। 19 तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशियों के साथ साथ दिग्गज के दिलों की धड़कने भी तेजी से बढ़ रही है। देखना होगा कि ऊंट किस ओर करवट लेता है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।